नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इस बार हुए लोकसभा चुनाव में नोटा को कुल 5,33,705 वोट मिले। इनमें इंदौर में सबसे ज्यादा 2,18,674 और सतना में सबसे कम 2,553 वोट पड़े। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने शांतिपूर्ण मतदान संपन्न होने और सभी परिणाम आने के बाद मीडिया के सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों के परिणाम आ चुके हैं। वोट प्रतिशत की बात की जाए तो उसमें भी शंकर लालवानी टॉप रहे। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान और लता वानखेड़े को कुल मत प्रतिशत में सबसे ज्यादा वोट हासिल हुए। इस लोकसभा चुनाव में कुल 369 उम्मीदवारों ने अपना भाग्य आजमा। इनमें से एक ट्रांसजेंडर दमोह से शामिल है। पार्टी को मिले वोट प्रतिशत की बात की जाए तो बीजेपी को 2019 के मुकाबले 1.28% वोट ज्यादा मिले, जबकि कांग्रेस को करीब 2% वोट कम मिले। न्यूज 69 के लिए भोपाल से आदिल खान की रिपोर्ट। कल काउंटिंग थी, काउंटिंग सभी जगह पूरी हो गई। कल शाम में भी हम लोगों ने आपसे बात की थी, 29 परिणाम भी आ गए और मार्जिन संख्या सब आपको पता। आज जो हम आपसे चर्चा कर रहे हैं बेसिकली ये एक तरह से जो आपसे सहयोग प्राप्त हुआ है इस पूरे निर्वाचन के दौरान विधानसभा लोकसभा दोनों में, उसके लिए मैं और हमारे सभी साथी पूरी टीम आयोग की आपके प्रति आभार व्यक्त करती है, आपका धन्यवाद करती है। सबसे पहले तो ये बात थी, आप पूरे 29 रिजल्ट हमारे पास हैं, वेबसाइट पे भी हैं। जो सबसे ज्यादा मार्जिन से जीत है वो भी आपकी जानकारी में है, इंदौर में 11,75,092 शंकर लालवानी जी। जो सबसे कम जी आप जो सबसे कम मार्जिन से जो जीत है वो अपने यहाँ 52,530 है, 52530 जो मुरैना में है, शिवमंगल सिंह तोमर। तो मैक्सिमम इंदौर में और मिनिमम मुरैना। नोटा को लेकर के काफी चर्चाएं रही, सुर्खियां रही। नोटा जो इस बार हुआ है अपने यहां, जो फाइनल फिगर है ईवीएम मशीन का जो नोटा था वो, और जो पोस्टल बैलेट था उसका नोटा था वो दोनों मिला दें तो 533705, 5,33,705, 533705। नोटा सबसे ज्यादा इंदौर में 2,18,674, 218674, और सबसे कम सतना में 2553। ईवीएम में जो नोटा दबाया गया बटन वो है 532667, 532667, और पोस्टल बैलेट्स में जो नोटा निकला है वो 1038, टोटल 533705। पोस्टल बैलेट में भी जो सबसे ज्यादा नोटा है वो इंदौर में है, 319। बाकी फिगर अपने पास पूरे पीसी वाइज है लेकिन उसकी वजह से जरूरत नहीं है जी। चलिए ठीक है, जो पोस्टल बैलेट जो काउंट हुए वो सबसे ज्यादा भिंड में हुए थे, जहां करीब 8,349, और जो सबसे कम काउंट हुए वो दमोह में हुए, 2154। कुल 369 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे इस 29 लोकसभा में, जिसमें जे 369, जिसमें 343 मेल, 25 फीमेल और एक ट्रांसजेंडर दमोह में, एक ट्रांसजेंडर दमोह में।
जो वोट शेयर की अगर हम बात करते हैं कैंडिडेट्स की, जो विनिंग कैंडिडेट्स हैं, उसमें जो पोल जो मत डले उसका जो मैक्सिमम परसेंटेज किसको मिला, तो हाईएस्ट जो स्टेट में है वो इंदौर में 78.54, तो टोटल वोट्स पोल्ड का 78.54% मिला इंदौर में शंकर लाल वानी जी को। नंबर टू जो अगर हम देखते हैं विदिशा में शिवराज सिंह चौहान 76.70%, और नंबर तीन डॉक्टर लता वानखेड़े सागर में 68.49। खजुराहो में बीडी शर्मा जी को मिला है 67.75, टोटल पोल्ड वोट का 67.75। और तो किसी का नहीं जानना चाहते हैं आप जी? बता देता हूं, गुना में 67.21, अगर हम पार्टी का वोट शेयर देखते हैं, और हमारे पास वो वाले फिगर भी हमने निकाले हैं 2019 वाले, तो सबसे जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस 2019 में जो वोट शेयर है वो 34.50, और अभी 2024 में है 32.44। बीजेपी का 19 का है 58%, अभी है 59.28। बीएसपी का है 2.38 था 2019 में 38, और 24 का है 3.28। सीपीआई का 19 का था 0.25, अभी है 0.14। नोटा 2019 में था 0.92 और अभी नोटा है 1.40। हाँ, और बाकी इंडिपेंडेंट और छोटे छोटे बहुत सारी पार्टियां हैं, वो डिटेल है 0.000% में जाने जा रहा है। इंडिपेंडेंट को 1.60% इस चुनाव में, इंडिपेंडेंट का 1.60। तो मुख्य रूप से यही है, असेंबली वाइज जानकारी काफी लोग चाह रहे हैं, जैसे ही फॉर्म 20 मेरे मुझे उम्मीद है कि शाम तक सारी जानकारी इकट्ठी हो जाएगी फॉर्म 20 वाली, तो हम उसको वेबसाइट पे डाल देंगे। हाँ, निकालना पड़ेगा। हाँ, कौन सा बताओ भाई? नहीं, निकाल के बताऊंगा जब जबानी। नहीं, बात सही है, जैसे मैंने पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी तत्काल आपको बताया भी था, कई प्रकरणों में हम लोगों ने तत्काल सहायता राशि स्वीकृत करी थी, लेकिन ये हम निकाल के आपको प्रेस नोट के माध्यम से बता देंगे कि कितनों में हुआ और कितने में कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह के यहाँ पर वेट कर रहे हैं। कई ऐसे भी थे जिनकी डेथ यहाँ हुई फिर बॉडी वहां चली गई, तो हमें कागज वहां से भी मंगाने पड़ते हैं, लेकिन ये जानकारी मैं आपको दे दूंगा। और प्रयास अपना यही रहता है हमेशा कि जितनी जल्दी हो और जितनी अधिक से अधिक सहायता राशि वो उपलब्ध करा सके वो उपलब्ध कराएं, यद्यपि उसके मापदंड नियत हैं, लेकिन फिर भी चाहे वो इलाज रहा हो, चाहे दुखद दुर्घटना में उनको मृत्यु की दशा में जो उनको मिलना है 15 लाख रुपए वो देने की बात हो, आयोग हमेशा से काफी ये रहा है कि तत्काल सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए। अनुकंपा नियुक्ति विभाग देता है, तो संबंधित विभाग के माध्यम से अपन उसको भी फॉलोअप करते हैं, यदि उनके जो भी सक्सेसर हैं उनके पास वो अगर जो भी योग्यता है उसके हिसाब से अनुकंपा नियुक्ति भी दिलाते हैं। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।